आला अली मौला जी जाने कोई माने या माने कोई माने या ना। अस्सलामुअलैकुम याली मदर दोस्तों, सही कलंदर चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आए हैं उमरकोट के नज़दीक सूफी फकीर की दरबार पर, तो आइए मेरे साथ और देखिए मुकम्मल वीडियो और सूफी फकीर की दरबार का नज़ारा। सुभान अल्लाह। ये दरबार सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत सादिक शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। हज़रत सादिक शाह रहमतुल्लाह सन 1170 हिजरी माह शवाल में उमरकोट के नज़दीक विलादत पाई। और हर साल शाह शहीद के उर्स मुबारक के मौके पर हज़रत सादिक शाह रहमतुल्लाह अलैह के कलाम और शायरी पढ़ी जाती है। सूफी बुजुर्ग हज़रत सादिक शाह रहमतुल्लाह अलैह अरसाए जवानी में आप बहुत ही मजबूत जिस्मानी साख्त के मालिक और बागियाना जज्बात रखने वाले नौजवान थे। और ये भी हकीकत है कि आप डाकू भी थे। आपकी ज़िंदगी के 40 साल के अरसे के बाद आपकी ज़िंदगी ने रूहानियत की तरफ रागब हो गई। आपके दादा हज़रत सूफ़ी शाह शम्स के शागिर्द थे और सूफ़ी सादिक शाह रूहानी तरबियत के लिए गर्ज से मीरनपुर गईं, जो आज मीरपुर ख़ास के नाम से जाना जाता है। और वहाँ उन्होंने ज़ेर साया हज़रत फजलुल्लाह शाह कलंदर से रूहानी इसरार के फैज़ से फैज़याब हुए। ये अरसा 1210 हिजरी की बात है। आप अपने मुर्शिद के पक्के मातहत थे और मुर्शिद भी आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और खलूस रखते थे। सूफ़ी सादिक दरगाह औलिया जोग शरीफ के भी आला पाए गए तालबा में से एक थे। इन्होंने अपने मुर्शिद की शान में कई नज़म और कलाम लिखे, जो इनकी किताब सूफ़ी सादिक शाह के रिसाले में मौजूद है। सूफ़ी सादिक शाह की दरबार उमरकोट के नज़दीक सूफ़ी फ़कीर का एक छोटा स्टाप है, वहाँ पर ही शाह सादिक फ़कीर की दरबार है। सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत सादिक शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 11 रमज़ान सन 1265 हिजरी में वफात पाई।